दूर जाने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, नहीं जा पाएंगे। कह दीजिए, मन में जो कुछ भी है कह दीजिए, बात मन में रह जाएगी तो बढ़ती जाएगी, कह दीजिए। रिश्ते में जब एक आग बने तो दूसरे को पानी बनना पड़ता है, वरना रिश्ता जल जाता है। और आज अनुपमा को पानी बनना पड़ेगा। अनुपमा की परेशानियों में अनुज ने उसे संभाला था, अब अनुपमा को संभालना होगा। दिल बहुत भारी हो रहा है। बोल दीजिए अनुज, जो कुछ भी दिल में है बोल दीजिए, मन हल्का हो जाएगा। बोल दीजिए ना, एक बार मन में जो कुछ भी है बोल दीजिए। वहां सबके सामने इतना नाराज हो सकते तो यहां क्यों नहीं कह सकते, कहिए ना। आपको यही लगता है ना कि मुझे छोटी के जाने का जरा दुख नहीं, कैसे विश्वास दिलाओ आपको, कैसे विश्वास दिलाओ आपको। काश कि कोई एक्सरे की मशीन होती जिससे पता चलता कि मां के दिल में कितना दर्द है। दर्द 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 चेहरे पे दिखता है अनुपमा, चेहरे पे। और आज सुबह होली फंक्शन में मुझे तुम्हारे चेहरे पर दर्द नहीं हंसी दिखी, दर्द। हंसी हंसी तो वो चाहते रहे, जो दुख की हवा चलती है ना तोड़ लेती। एक बात कहो, सुनिए ना, इस वक्त हम दोनों के बीच में एक फर्क है। आप सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं और मैं दूसरा। आपको लगता है कि छुट्टी हमेशा के लिए चली गई, पर मुझे लगता है कि छोटी भले इस वक्त हमारे साथ नहीं है, पर हम उससे मिल सकते हैं, उसे बात कर सकते हैं, वो हमारे पास आ सकती है रहने के लिए। मुझे ऐसा लगता है। आप ही ने तो सिखाया था ना कि जिंदगी की ब्राइट साइड देखो। बस वही कर रही हूँ, बस थोड़ा सा सबर, थोड़ा सा इंतजार और फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं दर्द के साथ जी सकता हूँ अनुपमा, लेकिन झूठे दिलासे, झूठी उम्मीदें इसके साथ नहीं जी सकता मैं। तुम मेरी बेटी मेरी छोटी के वापस आने का रास्ता ढूंढ रही हो ना, जबकि तुम्हें मेरी बेटी के जाने का रास्ता रोकना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। वो तो छोड़ो, तुमने खुद कुछ नहीं किया, मुझे भी नहीं करने दिया।
उसका नतीजा क्या निकला, मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी ब्राइट साइड देखने की वजह से। तुम अभी कह रही थी ना कि यहां मेरे दिल में जो है मैं निकाल दूं, है ना? तो अनुपमा ये सुनो कि मेरे दिल में यहां जो था वो चली गई, मेरी बेटी, मेरी अनु चली गई, और उसके जाने के बाद इस दिल में अब कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं है। इस दिल में ना तो कोई इमोशन है, ना कोई जज्बात है, ना कोई प्यार बचा है, खाली है। अजीब सा खालीपन है इस दिल में जो कोई नहीं भर सकता, कोई ब्राइट पिक्चर, ब्राइट साइड नहीं भर सकती, तुम भी नहीं भर सकती अनुपमा। ऐसा मत कहिए। मैं हूं ना आपके पास, आपकी अनु हमेशा आपके पास है, आपके साथ है। नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए मुझे अनुपमा, तुम भी नहीं। क्या कहा आपने? हाँ? आपको मैं नहीं चाहिए, आपको अपनी अनुपमा लीजिए, आपकी अनुपमा आपको नहीं चाहिए। हाँ? 26 साल आपने मुझसे प्यार किया, मेरा इंतजार किया, आपको मैं नहीं चाहिए। हाँ? इतनी जल्दी मुझसे नफरत हो गई, मुझसे नफरत हो गई आपको? हाँ? मैं खुद से नफरत कर सकता हूं अनुपमा, लेकिन जाकर भी तुमसे नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता तुमसे नफरत मैं, लेकिन तुमसे प्यार है कि नहीं है ये नहीं जानता मैं यार। आपको पता नहीं है या प्यार नहीं है, बोलिए ने। अब आप मुझसे प्यार नहीं करते, प्यार नहीं, बोलिए ने, बोलिए ने, बोलिए ने, आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं पता मुझे अनुपमा, नहीं पता यार। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं तो मुझे अपनी 25 जाती हुई नजर आती है, अपने से दूर। मैं आपको पसंद नहीं हूं। पसंद तो तब आओगी जब मुझे नजर आओगी अनुपमा, जब मुझे दिखोगी। मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखता हूं मुझे सिर्फ अपनी हार, अपनी जाती हुई बच्ची नजर आती है। मेरी आंखें आंसुओं से इतनी भर जाती है कि सब कुछ धुंधला हो जाता है। कब समझोगी तुम ये? छोटी के जाने के बाद मुझे इस घर में मेरा दम घुटता है। मैं 100 बार कह चुका हूं कि हर चीज है मुझे घुटन होती है यार। हमारे रिश्ते से भी हमारे रिश्ते से भी घुटन होती है आपको, बोलिए, बोलिए ने। नहीं जानता, नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि मेरा रिश्ता सिर्फ दर्द से रह गया है, तुमसे नहीं अनुपमा। और जब रिश्ता ही नहीं रह गया तो उसमें हम कैसे रह सकते, उस रिश्ते में जीकर क्या करेंगे, उस रिश्ते में जीकर क्या करेंगे। क्या कहा
यही कि रिश्ता अब है ही नहीं। हम भी एक जैसे कहा है अब। एक तरफ तुम हो, तुम्हारे खून के रिश्ते नाते तुम्हारे बच्चे हैं, और दूसरी तरफ मैं हूं अपनी बेबसी के साथ, अपनी तनाई के साथ, अपने दर्द के साथ। अब हमारे बीच सिर्फ नाम का रिश्ता है अनुपमा, और इस नाम के रिश्ते में मैं और इस नाम के रिश्ते रहना नहीं चाहता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो वह तुम हो। बापूजी क्या हुआ आपको? बापूजी क्या हुआ? बापूजी आप ठीक तो हैं? समर पानी लेके चेयर चेयर पे चल। बापूजी यहाँ पे बैठ जाइए। बैठिए बैठिए बापूजी। कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। बापूजी प्लीज पानी पीजिए ना। अनुज तेरी अक्कल का घास चढ़ने गई है, होश में भी है तू क्या बकरा है? देविका प्लीज एटलीस्ट तुम तो शांति रखो। शांति की ऐसी की तैसी, चल माना कि तू होश में नहीं है, परेशान है, लेकिन ये क्या तरीका है यार? कुछ भी बकेगा, कुछ भी करेगा तू। माना कि छोटी में तेरी जान बसती है, लेकिन छोटी अपनी मर्जी से माया के साथ गई है, अनु ने उसे नहीं भेजा, और अगर अनु उसे रोकती तो वो माया सीधे कोर्ट चली जाती, तब तू क्या कर लेता? तेरा ये पैसा पावर कॉन्टैक्ट ना किसी के काम नहीं आता, समझा? अनुज जस्ट बिकॉज तू दुखी है इसका मतलब ये नहीं है कि तू अनुपमा को इतनी बड़ी बात बोल जाएगा। और बेटी क्या सिर्फ तेरी गई है? अनु के कुछ नहीं लगती वो, तू परेशान है तो वो भी उसके यार में टूट रही है, दुखी है। बच्चों की खुशी के लिए होली में थोड़ा सा हंस क्या लिया तूने? इसकी ममता पर सवाल खड़ा कर दिया। अनु क्या है, कैसी है, अच्छी है, ये सब तूने बताया था ना मुझे? अब हमें ये सब बातें तुझे याद दिलानी पड़ रही है? अनुज हैव यू लॉस्ट इट? अब जो होना था हो गया यार, अब तू क्या सारी जिंदगी इसी बैगेज के साथ घूमेगा? अनुज सर आपकी और मैम की लव स्टोरी तो हम सबके लिए इंस्पिरेशनल है, प्लीज आप गुस्से में भी अलग होने की बात मत कीजिए। अब बुद्ध बन के क्या बैठा है, जवाब दे, दे जवाब मुझे। सिर्फ नाम का रिश्ता है, इस नाम के रिश्ते में नहीं रहना बोले कि हिम्मत कैसे हुई तेरी? खेल चल रहा है हा? ये सब खेल चल रहा है क्या कि अब मन भर गया और बस नहीं खेलना? पेटी चली गई है तो क्या बीवी भी भाड़ में चली जाए? सच में अनुज तू ऐसा सोच भी कैसे सकता? दैट वाज टू मच यार। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम सब अभी बहुत गुस्से में हैं, थोड़ा शांति रखते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? कोई ब्रेक ब्रेक नहीं, क्या बात अभी होगी? मुझे जवाब अभी चाहिए। और जवाब क्या? इसने जो घटिया बात की है ना, उसके लिए इसे अनु से माफी मांगनी पड़ेगी। अनु तुझे ये दिखाई दिया कि अनु ने छोटी को जाने दिया, लेकिन अनु ने छोटी के लिए क्या क्या किया तुझे दिखाई नहीं दिया? अरे बच्चों के बड़े हो जाने के बाद नई उम्र में आकर इंसान आराम करता है, लेकिन तूने उसी वक्त छोटी की जिम्मेदारी दे दी अनु को, और इसने इसने खुशी खुशी वो जिम्मेदारी निभाई, छोटी के लिए अपने मायके वालों से लड़ी। अरे तब अनु सही थी है ना, और आज गलत हो गई? ये वही अनु है जिसने सही के लिए अपनी बेटी को घर से निकाला था, और आज गलत इसलिए हो गई क्योंकि इसने तेरी बेटी को जाने दिया। तू अनु की ममता पे शक कर रहा है, छोटी के लिए अनु के प्यार पे शक कर रहा है? तू जानता नहीं है क्या अनु को? अरे छोटी के जाने का दुख इसे भी खाया जा रहा है, लेकिन ये बैठ के तेरी तरह बेचारी रो नहीं सकती।
ये भी अगर टूट जाएगी तो तुझे कौन संभालेगा? अपना दुख सहकर तेरा गुस्सा सहन कर रही है किसके लिए? तेरे लिए यू इडियट। और तू यू नो व्हाट अनुज, मुझे लगा था कि तुझ में और मनराज में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन नो डूड आई वाज रॉन्ग, तुझ में और मनराज में कोई फर्क नहीं है। छोटी तुम दोनों के फॉस्टर केयर में थी, उसकी बायोलॉजिकल माँ का उस पे ज्यादा हक बनता है, तो इसमें अनु क्या कर सकती है? अगर इतना ही था तो तूने माया को क्यों नहीं समझाया? छोटी तेरी भी बेटी है ना, हाँ तू रुका सकता था ना छोटी को, तू क्यों नहीं आगे बढ़ा? तू हर चीज अनु क्यों करे? चल नहीं किया, अनु तुझे दोष दे रही है क्या, ब्लेम कर रही है क्या तुझे? तो अनु को ब्लेम करना बंद कर अनुज। अनुज तू आज अनु की नहीं भगवान की सबसे बड़ी दी हुई ब्लेसिंग इंसल्ट कर रहा है। ओ स्टॉप इट देविका, जस्ट स्टॉप इट यार। फॉर गॉड सेक स्टे आउट ऑफ इट। आई वोंट, मैं अपने दोस्त के लिए अपने दोस्त से लड़ी और मैं लड़ूंगी। तुम दोस्त मेरी भी हो, लेकिन दोस्त होने का मतलब यह नहीं होता कि किसी भी मामले में आ जाओ। कई चीजें दूसरों पे छोड़ देनी चाहिए और ये मामला अनुपमा और मेरा है देविका, किसी और का नहीं। मैंने जो भी अनुपमा से कहा है यूं ही नहीं कहा है, आई मीन इट। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।